मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि मंडल में 200 से अधिक कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जबकि 90 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं और कुल 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि मरीजों की संख्या को देखते हुए 200 और बेडों की सुविधा को बढ़ाया गया है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि कोरोना मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था की गई है। कुछ मरीजों को इलाज के बाद ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज भी किया गया है। मंडलायुक्त ने लोगों से अपील किया है कि घर से निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और 2 गज दूरी का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, सर एक कोविड में आज 9 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। देखिए, कोविड के मरीज, ये एक सतत प्रक्रिया रहेगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सैंपल टेस्ट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा जांच में पॉजिटिव भी मिलने की संभावना रहती है। और वो उसके साथ साथ हम ध्यान दे रहे हैं कि कोविड केयर फैसिलिटी में लोगों को, जो पेशेंट हैं, उनको सुविधाएं मिलें जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर अपने घर जा सकें। सो ये सतत प्रक्रिया है। एक प्रत्येक दिन में सैंपल की जांच होती है, उसमें पॉजिटिव निकलने की संभावना रहती है। जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको उनके क्रिटिकलनेस के हिसाब से उनको फैसिलिटी में लाते हैं, L3 या L1 में, और उनका इलाज चलता है। और उसी के साथ साथ जैसे जैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं तो प्रत्येक दिन कुछ डिस्चार्ज होंगे, प्रत्येक दिन कुछ लोग पॉजिटिव आएंगे। सर क्या स्थिति मंडल में? मंडल में इस समय जो अभी सुबह की रिपोर्ट है, 200 से ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव पेशेंट हैं। करीब हमने 90 पेशेंट ठीक होकर घर जा चुके हैं और करीब 11 हमारे यहाँ डेथ हुई है अनफॉर्चुनेट, जिसमें कि 3-4 केसेस में डेड बॉडी आई थी। और इसलिए अभी हमारी जो बेड की क्षमता है, हमने 2000 बेड की और बढ़ाई हुई है। और हम आशा करते हैं कि लोगों के सहयोग से हम इसको, संक्रमण को रोक पाएंगे। मैं बार बार ये कहता आया हूँ कि मास्क पहनना अत्यावश्यक है जब आप बाहर निकल रहे हैं, और कम से कम 2 गज की दूरी रखना आपस में बहुत अनिवार्य है।